अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी होता है वो Our kidney is actually composed of what? Our kidney is actually composed of nephron. किससे बनी हुई है? Nephron से. And this nephron is what? It is a functional and structural unit of the kidney. एक तो ये functional होती है, as well as क्या होती है ये? Structural unit होती है किस चीज की? Kidney. Remember, my dear students, I am discussing today the internal structure of the kidney. Our internal structure of the kidney is composed of the nephron. So this nephron is what? It is actually the functional and structural unit of the kidney. What is it? It is the structural and functional unit of the kidney. Just like the human cell. ह्यूमन सेल जो होती है वो एक फंक्शनल और बेसिक यूनिट होती है हमारी लाइफ की। इसी तरह जो नेफ्रॉन होती है, नेफ्रॉन इज अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द किडनी। और जो ये नेफ्रॉन होती है, नेफ्रॉन देयर आर अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। कितने होती है? 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट इन ईच किडनी। जो हमारी हर एक किडनी में कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? हर एक किडनी में होते हैं 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। कितने होती है? 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। नाउ द थिंग इज दैट इफ दिस इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द किडनी, व्हाट इट इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ? अवर दिस नेफ्रॉन इज कंपोज्ड ऑफ मेनली मालफेजियन बॉडीज। मालफेजियन बॉडीज, और दीज मालफेजियन बॉडीज इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? इनको हम बोलते हैं रिनल कॉर्पसेस। क्या बोलते हैं इनको? रिनल कॉर्पसेस। अवर दिस नेफ्रॉन विच इज द फंक्शनल एंड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द किडनी इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ व्हाट? मालफेजियन बॉडीज ऑल्सो कॉल्ड एज द रिनल कॉर्पसेस। ओके, एज वेल एज दे आर कंपोज्ड ऑफ रिनल ट्यूब्यूल्स। दे आर कंपोज्ड ऑफ व्हाट? रिनल ट्यूब्यूल्स। जो हमारी नेफ्रॉन होती है, जो ये नेफ्रॉन होती है, इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, इट इज कंसिस्टेड ऑफ द टू मेन थिंग्स। वन इज द मालफेजियन बॉडीज आर रिनल कॉर्पसकल्स एज वेल एज द रिनल ट्यूब्यूल्स। सो नाउ द थिंग इज व्हाट दीज मालफेजियन बॉडीज आर कंपोज्ड ऑफ। जो मालफेजियन बॉडीज होती है, या जिनको आप क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं रिनल कॉर्पसकल्स, जो ये मालफेजियन बॉडीज होती हैं, दीज आर कंपोज्ड ऑफ, दीज आर मेड अप ऑफ व्हाट? अपर एक्सपेंडेड एंड ऑफ रिनल ट्यूब्यूल। दे आर मेड अप ऑफ व्हाट? दे आर मेड अप ऑफ अपर, जो अपर एक्सपेंडेड एंड होता है, अपर एक्सपेंडेड एंड ऑफ व्हाट? अपर एक्सपेंडेड एंड ऑफ द रिनल ट्यूब्यूल। जो भी अपर एक्सटेंडेड एंड होता है किस चीज का? रिनल ट्यूब्यूल का। सो दिस अपर एक्सटेंडेड एंड ऑफ द रिनल ट्यूब्यूल इज नोन एज, इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज बोमेंस कैप्सूल। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। मालफेजियन बॉडीज जो होती है, दीज आर कंपोज्ड ऑफ व्हाट? दीज आर मेड अप ऑफ व्हाट? दीज आर मेड अप ऑफ अपर एक्सपेंडेड एंड ऑफ रिनल ट्यूब्यूल। एंड दिस रिनल ट्यूब्यूल, द अपर एक्सपेंडेड एंड ऑफ द रिनल ट्यूब्यूल इज नोन एज बोमेंस कैप्सूल। क्या इसको कहते हैं? बोमेंस कैप्सूल। गॉट इट माय डियर स्टूडेंट्स? नाउ द थिंग इज दैट एक तो ये बनी हुई होती है किससे? मालफेजियन बॉडीज से। मालफेजियन बॉडीज इज इटसेल्फ मेड अप ऑफ व्हाट? अपर एक्सटेंडेड एंड ऑफ रिनल ट्यूब्यूल कॉल्ड एज बोमेंस कैप्सूल। एंड ऑल्सो दीज मालफेजियन बॉडीज आर कंपोज्ड ऑफ कैपिलरीज, आर कंपोज्ड ऑफ कैपिलरीज। एंड दीज कैपिलरीज आर दीज कैपिलरीज आर कॉल्ड एज, दीज बंच ऑफ कैपिलरीज आर कॉल्ड एज व्हाट? These are called as, जो ये बंच होता है, जो ये गुच्छा होता है कैपिलरीज का,
these are called as glomerulus. What is it is called as glomerulus. I told you firstly the nephron is mainly composed of Malpighian bodies and renal tubules. Then I discussed with you Malpighian bodies is itself made up of what? These are made up of upper expanded end of the renal tubule called as Bowman's capsule. And secondly, the Malpighian bodies are composed of what? These are consisting of the bunch of capillaries. जो bunch of capillaries होती हैं, these bunch of capillaries are known as what? These are called as glomerulus. क्या बोलते हैं इनको? Glomerulus. Got it, my dear students? जो ये glomerulus होते हैं, these are packed in the Bowman's capsule. ये pack किस में हो जाते हैं? इस Bowman's capsule में क्या हो जाते हैं ये? These are packed Bowman's capsule में ये पैक होते हैं. दिस Malpighian बॉडीज lies here. It lies on the cortex. जो cortex होता है, जो मैंने आपके साथ structure discuss किया है, किडनी का structure, that means the outer structure. Outer structure में जो Malpighian bodies होती हैं, where does these actually lie? They are present on the cortex of the kidney. जो मैंने आपको क्या बताया, स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी पढ़ाया, यानी कि ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी में जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स में ये मौजूद होती है. लेट अस अज्यूम दिस इज अ किडनी. किडनी में कहां पे? यहां पे आपने देखा था, दिस इज द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी. सो कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी में क्या होता है? इसमें जो मैं आज आपके साथ डिस्कस किया, इंटरनल स्ट्रक्चर में मैंने नेफ्रॉन्स बता दिया, नेफ्रॉन्स में मैंने बताया Malpighian बॉडीज. सो एक्चुअली द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द Malpighian बॉडीज इज वेयर? एट द कॉर्टेक्स ऑफ द ईच किडनी. ओके, so now the thing is we will discuss about the renal tubules, and this completes the Malpighian bodies. I have discussed in detail about the Malpighian bodies. Firstly, I discussed that Malpighian bodies are composed of what and what? It is composed of mainly Bowman's capsule and glomerulus. Now we will discuss about the renal tubule. That means this is the another part of the nephron. First part was the Malpighian part or renal corpuscle. Now we will discuss about the renal tubules. What the renal tubules are composed of? Actually, these renal tubules are composed of four main parts. इसमें चार parts होते हैं. कौन कौन से ये main parts होते हैं? इसमें nephron में मैं discuss कर रहा हूं. Nephron में मैंने Malpighian bodies discuss किया. Now I will discuss about the renal tubules. What these renal tubules are comprised of? These renal tubules are firstly comprised of distal cannulated tubules. What? Distal cannulated tubules, proximal cannulated tubules, and loop of Henle. Loop of Henle. Okay. And lastly, collecting ducts. ठीक है. मैं डिस्कस कर रहा हूँ सेकेंड पार्ट ऑफ द किडनी. दैट इज, इट इज कंपोज्ड ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल्स. रीनल ट्यूब्यूल्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ द फोर पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट्स. नाउ द थिंग इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, एक्चुअली वेयर इज इट्स लोकेशन? This proximal convoluted tubule lies at the cortex, जो भी cortex होता है. That means जो मैंने आपके साथ अभी discuss किया, क्या discuss किया? If there is a, this is a cortex, तो cortex के side में ही location होती है किनकी? Malpighian bodies की. इसके साथ ही जो proximal convoluted tubules, they also lie on the where? At the kidney, in the situated in the cortex. And next thing is loop of Henle. Where is their exact location? The loop of Henle rests on the medulla. जो medulla होता है, जो in जो medulla होता है, वहाँ पे क्या होते हैं? वहाँ पे exact location, exact anatomy कहाँ पे होती है? Loop of Henle की medulla में. कहाँ पे? मेड्यूला में. इसके बाद जो क्या होते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन वियर, वियर एट द कॉर्टेक्स. दे आर ऑल्सो प्रेजेंट एट द कॉर्टेक्स. लास्टली द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होते हैं, दे पास वाया द मेड्यूला. जो मेड्यूला होता है वहां से ये पास करते हैं. उसके बाद फाइनली ये कहां पे पहुंच जाते हैं? जो पैलेट्स ऑफ द किडनी होती है, पैलेट्स ऑफ द
किडनी, पेल्विस ऑफ द किडनी जो होता है, पेल्विस ऑफ किडनी एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द अपर एक्सपेंडेड एंड ऑफ द यूरेटर्स, अपर एक्सपेंडेड ऑफ द यूरेटर्स इज कॉल्ड एज द पेल्विस. दैट मींस हियर इज द एग्जैक्ट लोकेशन, हियर इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ व्हाट दीज कलेक्टिंग डक्ट्स. जो ये कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं पहले ये पास करते हैं मेड्यूला से, मेड्यूला के बाद ये कहां पे पास हो जाते हैं, एक्चुअली दे पास देयर यूरिन फ्रॉम द मेड्यूला वाया द मेड्यूला इनटू द दीज दिस पैलेट्स ऑफ द किडनी. उसके बाद कहां पे चला जाता है फाइनली, फाइनली ये चला जाता है जो भी यूरेटर्स होते हैं वाया यूरेटर्स, फिर ये किसमें चला जाता है यूरिन, यूरिनरी ब्लेड में, फिर ये बाहर चला जाता है. ओके so this is about the renal tubules. Renal tubules are mainly composed of how many parts? Four parts: distal convoluted tubule, proximal convoluted tubule, and loop of finally and lastly collecting ducts. And this distal convoluted tubule and proximal convoluted tubule is both are situated in the cortex. Okay, and then loop of finally, where the loop of finally rests is, where is it is exact anatomy, it is where is it exactly located? Loop of Henle is located in the medulla of the kidney. And lastly, the collecting ducts jo hote hain, they pass via the medulla and then drain into the pelvis of the kidney. Okay, so now we will discuss about what is proximal convoluted tubule. What is proximal convoluted tubule? वह इसकी जो क्या है, इसमें क्या क्या कंपोजिशन होता है किसका, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का. दैट मींस वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द रीनल ट्यूब्यूल्स, दैट इज अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन. ओके, जो ये नेफ्रॉन में क्या होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कन्वोल्यूटेड proximal convoluted tubule. This proximal convoluted tubule jo hota hai, proximal convoluted tubule, it is actually lined with the epithelial and it is actually lined with cuboidal cells. That means jo proximal convoluted tubule hota hai, proximal convoluted tubule is lined with what, jo bhi cuboidal cells hote hain, it is composed of what? This proximal convoluted tubule is composed of cuboidal cells का ये बना हुआ होता है. किनका बना हुआ होता है? Proximal convoluted tubule is composed of, it is lined with cuboidal cells and low columnar cells. And there is some sort of low columnar cells. There is low presence of columnar cells or low columnar epithelium. Low columnar epithelium. First, I will show. Roughly, I will show you the diagram of what? Diagram of the renal tubules. Okay? Yeah, nephron. This is the structure of what? This is the rough structure of the nephron. This is what? This is the rough structure of the nephron. So, first part is the glomerulus. What you see here is what? This is the glomerulus. That means it is composed of bunch of capillaries. This is composed of bunch of capillaries. Another thing is Bowman's capsule. क्या होता है ये? Bowman's capsule. एंड उसके बाद क्या होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. उसके बाद होता है यहाँ पे पीसीटी, दैट इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल विच आई एम डिस्कसिंग. प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो लाइन होता है, दैट इज सिचुएटेड एक्चुअली ऑन द कॉर्टेक्स, ऑन द
cortex and it is mainly composed of cuboidal cells and there is low presence of collaminear epithelium. What? Low presence of collaminear epithelium. And these cells, जो इसमें cells होती हैं, these are provided with microvilli. These cells are provided with microvilli. The cells which are cuboidal in nature, they are provided with microvilli and numerous mitochondria. And this is composed of numerous, that means various mitochondria are present in it. There is presence of what? There is presence of mitochondria, numerous mitochondria, and the cells are composed of what? Microvilli. ये बनी हुई होती है, microvilli इसमें मौजूद होते हैं. I have discussed about the what proximal convoluted tubules. They actually are situated near the cortex, and these are composed of cuboidal cells and low columnar cells. Then I discussed that इसमें क्या होती है, the cells जो होती है, cells are provided with microvilli and they have been provided with what? Numerous mitochondria are present. This is the proximal convoluted tubule and this proximal convoluted tubule also called as PCT and this is a part of what? It is a part of the nephron. Okay? So, now we will discuss about the loop of Henle. Here is loop of Henle. Where this loop of Henle actually rests? What is its exact location? Loop of Henle is present in the medulla. जो loop of Henle होता है, where is it actually? ये मौजूद होता है. कहाँ पे मौजूद होता है loop of Henle? Loop of Henle is exactly present on where? It is present in the medulla. जो medulla होता है किडनी का, वहीं पे मौजूद होता है loop of Henle. What I am discussing? Loop of Henle, that is a part of what? That is a part of renal tubule. That is a part of nephron. Okay, this loop of Henle is present. Its exact location is that it is situated where? It is situated in the medulla of the kidney. Okay, and this loop of Henle is what? It is the descending limb. So it is shown in the diagram. This is the descent. That means it gets downwards. So this is the descending limb. This is the descending limb of what? This is the descending limb of the nephron. What is it? It is a descending limb of a nephron. That means it has a descending limb and a loop. इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, एक लूप होता है. दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट लूप ऑफ Henle. एंड एन असेंडिंग लिप. फिर क्या चढ़ती है, ये ऊपर चढ़ती है. सो एक तो डिसेंडिंग लिप होती है, लूप होता है, इसके साथ साथ इसमें क्या पार्ट होता है, असेंडिंग लिप. फर्स्ट इट गेट इज डाउनवर्ड्स. Then there is presence of what? There is presence of the loop. Then it gets upwards. So there are two limbs present. One is the descending limb, ascending limb, and one is loop. So because of this loop, it is called as loop of the Henle. As well as this loop of Henle is composed of low cuboidal and squamous epithelia. This loop of Henle is composed of what? It is composed of low squamous and what? Low squamous and cuboidal. जो cuboidal epithelium होता है, इसका ये बना हुआ होता है. ठीक है? Loop of Henle is what? Loop of Henle is present in the medulla of the kidney and it is composed of two limbs. One is descending limb, another is ascending limb, and in between the descending and ascending limb there is presence of loop. So because of this very loop it is called as the loop of Henle. This is all about the loop of Henle. Now we will discuss about the distal convoluted tubule. Distal convoluted tubule, where is their exact location? Their exact location is they are situated near what? Near the cortex. Near the cortex. Now we are discussing about what? Distal convoluted tubule. Distal convoluted tubule means what? Distal convoluted tubule का मतलब ये हो गया. They are present near. They are present near. They are situated near. Near what? They are situated near the cortex. जो cortex of the kidney होता है, वहां पे ये मौजूद होते हैं. Near the cortex of the
किडनी एंड दिस डिस्टिलेट कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज लाइनड विद क्यूबॉइडल सेल्स. ये बनी, ये क्या होते हैं इसमें, दीज आर लाइनड विद व्हाट, दीज आर लाइनड विद क्यूबॉइडल सेल्स, दीज आर लाइनड विद क्यूबॉइडल सेल्स, दैट मींस फुली दे आर लाइनड विद क्यूबॉइडल सेल्स. एज ऑलरेडी एज आपने इससे पहले प्रीवियसली मैंने डिस्कस किया, लूक ऑफ हेनली एंड this proximal convoluted tubule, there were few number of cells, that means low count of this columnar epithelium, but now the distal convoluted tubule is fully covered with what, cuboidal cells, and these cells don't have microvilli, they does not process the microvilli as in proximal convoluted tubules, they would possess the microvilli. They are provided with the microvilli, but the distal convoluted tubules does not contain. That means their cells does not possess what? Their cells does not possess the microvilli. Okay. As well as जो distal convoluted ends होते हैं, they are joined by a collecting duct. That means जो ये distal convoluted tubule है, it gets joined with collecting ducts. It gets joined with what? Collecting ducts. That means actually the collecting duct is the last part of the nephron. That is the last part of the nephron. Here you see, it gets connected with what? It gets connected with the collecting tubule. Here you see the structure. I have made it roughly. This is the distal convoluted tubule. This distal convoluted tubule gets what? This gets connected with that, with collecting tubule, collecting ducts. जो collecting ducts होते हैं, इसके साथ ये क्या हो जाते हैं? इसके साथ ये structure जो होता है, इसके साथ ये जुड़ जाते हैं. Okay, my dear students. Firstly, I discussed about the proximal convoluted tubule, then loop of Henle, then distal convoluted tubule. Distal convoluted tubule are present, they are situated near the cortex, and they are lined with cuboidal cells, and these cuboidal cells do not possess the microvilli. And last point is that the distal convoluted tubule gets connected with what? It gets connected with the collecting ducts. Okay. Actually these collecting ducts जो होते हैं drain करते हैं different nephron से, ये drain होते हैं ताकि क्या करेंगे, ये form to form large tubules called papillary ducts of Billani. Okay, so this is all about my today's lecture, in which I had discussed the internal structure of the kidney. I have firstly discussed about the Malphy nephron. Nephron is the structural and functional unit of the kidney. Then I discussed it is composed of two main parts. One is the Malphysian bodies, or we can say renal corpuscle, and another is the renal tubule. Then I discuss it in detail about the Malphysian bodies are composed of two components. One is called as the Bowman's capsule, and another is called as the capillary. Okay, glomerulus. That means they are composed of the capillaries, bunch of capillaries. And then I discuss it about what? Then I discuss it about renal tubules. Renal tubules are mainly composed of the four parts. Firstly, they are composed of the proximal convoluted tubule, loop of Henle, distal convoluted tubule, and lastly, they are composed of the collecting ducts. And in detail, I have discussed only three parts of the renal tubules. That is proximal tubule, loop of Henle, and distal convoluted tubule. So, this is all about my today's lecture. Have a nice day ahead. Khuda Hafiz Unasir. Assalamu alaikum.